वेलकम टू ऑल, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम आपको बता दें कि एक नए अंदाज के साथ में चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट का हमने बेहतरीन एक वीडियो डाल चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियो एक से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड जितने चैप्टर अभी तक हुए हैं आपके, दो चैप्टर, सभी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएंगे। तो पहला वीडियो देखें, इसके बाद इसमें आएंगे आप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एयरफोर्स, नेवी, इंडिया कोस्ट गार्ड में यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। और मैं आपको बता दूँ, आपके नए अंदाज के साथ में आप फिजिक्स कराई जाएगी बिल्कुल फ्री में। पूरा कंटेंट है पीडीएफ के साथ में, आप एजिटिज नोट्स में आप लिखते जाएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया मेरे भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है मेरे भाई? देखिए, ये कोई कंडक्टर है, मैं आपको एक नए अंदाज के साथ बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, यहाँ से मान लीजिए इस साइड कोई इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, ठीक। तो जब दौड़ेगा तो क्या आएगी मेरे भाई? करंट आएगी, है ना भाई। जब इलेक्ट्रॉन रनिंग करता है तब तो करंट आती है। जब करंट आई तो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी, मतलब रनिंग कर रहा मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी रही होगी, तो सर वही जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से जानते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यहाँ पे। आप आई होप आपको वीडियो समझ में आया है, ठीक है, आपको लॉजिक समझ में आना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। डायरेक्ट कोई भी पूछेगा आपसे तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या कि स्पीड कंडक्टर के अंदर ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, ठीक। अब बढ़ेंगे आगे के कॉन्सेप्ट क्या कहेंगे। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया मेन है क्या, तो यहाँ पे मेरे भाई वेलोसिटी पूछेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जो फार्मूला है वो होता है सर ई टाउ अपॉन एम। सर एम का है सर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है। ये सब कुछ का आगे ऑपरेशन हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हो चुकी है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा मेरे भाई 1.6 × 10⁻¹⁹ आप लिखेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा 9.1 × 10⁻²⁷, ठीक है, यही होता है। तो आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला भी आपको क्लियर हो गया, एज इट इज याद कर लीजिए। जो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलैक्सेशन टाइम आया है टाउ, तो यहाँ पे टाउ भी बताया जाएगा। ये टाउ क्या है तो पहले तो ये चीज लिख लीजिए। यहाँ से बनने वाला है आपका बेहतरीन न्यूमेरिकल। आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ लेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे देगा, और यहाँ पे टाउ दे देगा, टाउ की वैल्यू दे देगा, और मास दे देगा, और इसके बाद में आपसे रिलैक्सेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछेगा, तो आपको बताना पड़ेगा। और एयरफोर्स में, नेवी में, चाहे कोस्ट गार्ड में 2 से 3 न्यूमेरिकल, मतलब एयरफोर्स में 6 से 7 न्यूमेरिकल आने लगे हैं, नेवी में उसी प्रकार है, कोस्ट गार्ड में थ्योरी वाला पोर्शन बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो थ्योरी पे फोकस करेंगे कोस्ट गार्ड वाले बच्चे। और यहाँ पे एयरफोर्स नेवी वाले तो भैया न्यूमेरिकल एज इट इज कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में फंसने वाला है। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आया है। चलिए थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे। कहीं ना कहीं अब देखिए, हाँ यहाँ पे आ गया रिलैक्सेशन टाइम, में बताया था आपसे टाउ जो वहाँ पे आया था वो क्या कहलाता है। आप सोचिए मेरे भाई, ध्यान से समझने की बातें करिएगा। देखिए ध्यान से सोचिएगा कि जब कोई कंडक्टर में, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर, अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मान लीजिए कोई क्या है मेरे भाई, कंडक्टर है, ठीक है। अब मेरे भाई कंडक्टर है तो यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, तो यहाँ से यहाँ टाइप गई तो किसकी वेलोसिटी, किस वेलोसिटी जाएगा? वीडी वेलोसिटी जाएगा। वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की नॉर्मल वेलोसिटी नहीं होती, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, मतलब वीडी। और वीडी की वैल्यू आपने देख ली है ई टाउ अपॉन एम, बार के बार याद कर लीजिए। तो जब मेरे भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है जब कंडक्टर के अंदर चलेगा, कंडक्टर के अंदर चलेगा तो मेरे भाई यहाँ भी कोई पॉजिटिव आयन रहे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, कंडक्टर के अंदर निगेटिव पॉजिटिव रहते हैं। तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर के अंदर क्या होगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये जब यहाँ से चलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको टक्कर मारेगा,
ठोकर मारेगा कि नहीं करेगा, देख सकते हैं ठोकर मारेगा। जब ठोकर मारेगा तो इलेक्ट्रॉन मेरे भाई हो सकता है ऐसे चला जाए टक्कर मारने में। अब यहाँ कोई पॉजिटिव आयन रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चला जाएगा, यहाँ कोई पॉजिटिव आयन रहा होगा तो ऐसे टक्कर मार देगा, यहाँ कोई रहेगा ऐसे। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस प्रकार से चलता है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चलता है तो मेरे भाई टक्कर होती है दो आयन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव आयन के बीच में। तो जो टक्कर मारने का समय होता है, जिस टाइम पे टक्कर होती है उसी टाइम को रिलैक्सेशन टाइम टाउ से लिखते हैं। समझ में आया? क्या बताएंगे कोई आपसे रिलैक्सेशन टाइम पूछेगा तो, सर जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर चलता है तो पॉजिटिव आयन से उसकी टक्कर होती है, और जो पॉजिटिव आयन से टक्कर होती है तो टक्कर होने का जो समय है उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव आयन, मतलब इलेक्ट्रॉन की टक्कर, कोलिजन मतलब टक्कर विथ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन के साथ में टक्कर होना, ठीक है, मेटल के अंदर ही रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है और रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक चीज़ आप बताइए, यदि टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा कंडक्टर के अंदर? बेहतरीन क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में आ चुका है, बताइए बताइए एयरफोर्स का क्वेश्चन है। क्या कंसेप्ट आपको समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर बता सकते हैं। देखिए, कंडक्टर के अंदर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा हो रहा है। भाई जब करंट का ज़्यादा फ्लो होता है, भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब करंट आ रही है, और जब करंट मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होंगे तो सर्किट गर्म होती है। आप प्रैक्टिकली में जाइए, सर्किट गर्म होती है मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। जब टेम्परेचर बढ़ गया तो मेरे भाई ये बताइए, जब पॉजिटिव आयन से टकराएगा इलेक्ट्रॉन तो भाई बहुत समय कम लगेगा। भाई जब धीमी करंट थी, जब डिम लाइट थी तो इलेक्ट्रॉन आराम आराम फ्लो कर रहे थे, है ना, तो पॉजिटिव आयन के साथ में आराम आराम टक्कर हो रही थी तो रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया मतलब सर करंट की स्पीड बढ़ गई, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगा, तो सर यहाँ पे पॉजिटिव आयन से जल्दी जल्दी टकराएगा तो टाऊ मेरे भाई घटेगा। डायरेक्ट इस चीज़ को याद करके रख लो, याद करके रख लो, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, 100% डिक्रीज होगा। कोई भी डाउट अब यहाँ से मेरे सभी सोल्जर को नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे, समझ में आया है आपको? प्रैक्टिकली बता दिया हूँ कि टेम्परेचर बढ़ा दीजिए मतलब करंट बढ़ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगे, और जब ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगेंगे तो टाइम कम लगेगा टक्कर होने में, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है। क्यों जोड़ दे रहा हूँ? क्योंकि एग्ज़ाम में IAF के एग्ज़ाम में आ चुका है मेरे भाई, आगे चल के नेवी और कोस्ट गार्ड में भी आ सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नोट्स में सभी लिखते जाइए जो जहाँ पे बताए रहे। देखिए, पहले इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं आया करते थे, लेकिन अब यहाँ पे NCERT इस कॉन्सेप्ट को प्लस कर दी है, ऐड कर दी है अपने सिलेबस पे। मोबिलिटी क्या है? तो मोबिलिटी क्या है मेरे भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी कहलाता है। ठीक है, मोबिलिटी को मान लीजिए, लिख दीजिए कैपिटल M से मेरे भाई। ठीक है, कैपिटल M इज इक्वल टू हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब सर VD अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गई मोबिलिटी का फार्मूला, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ही, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ही मोबिलिटी कहलाता है। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बताइए, E टाऊ अपॉन स्मॉल m, और ये E पहले से था तो ये E, ये नया फार्मूला आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बन गया। देखिए, अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना मेरे भाई, आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ये जो कैपिटल m है मेरे भाई, ये मोबिलिटी है। ठीक है, ये स्मॉल m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास है किसका? इलेक्ट्रॉन का क्या है मेरे भाई? मास है। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार सभी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतार दिए जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, और डायरेक्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। जो भी न्यूमेरिकल बनेगा, जैसे बनेगा, जब प्रैक्टिस आएगी, एक बार सिलेबस हो जाए, जब प्रैक्टिस आएगी आग लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं लेना। एक महीने बाद, चाहे 4 महीने बाद, चाहे 5 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, लेकिन मैं फिजिक्स 4 महीने के अंदर कंप्लीट करा दूंगा, फिर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल फिर करेंगे प्रैक्टिस, और हर कंसेप्ट से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन करा दूंगा, फिर देखता हूँ कहाँ से बाहर से आएगा।
अब यहाँ पे देखिए मोबिलिटी हो गई, मोबिलिटी का कंसेप्ट आपसे बना। अब यहाँ पास कुछ चीज़ें हैं, हाँ मोबिलिटी तक हुआ। अब इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, देखिएगा देखिए अब यहाँ पे आ चुका है क्या मेरे भाई, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये तो भाई बापू है, ये इसको तो आना ही आना था। और यहाँ से एयरफोर्स नेवी एनडीए सभी में क्वेश्चन बने हैं। ओम्स लॉ आया है, ओम्स लॉ आया है तो डायरेक्ट ओम्स का नियम क्या था मेरे भाई, ओम का नियम क्या था, देखिए देखिए जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई दिए हुए थे, तो भी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आर आया था और आई, आर बराबर आ गया भी अपॉन आई, यही तो ओम का नियम था। लेकिन सर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई कैसे हुआ ये हम पहले जानेंगे, ठीक है। आर बराबर भी अपॉन आई तो सभी को पता है, लेकिन ये हुआ क्या है ये चीज़ देखेंगे। तो देखिए होता क्या है, देखिए जब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पोटेंशियल है, एक पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ये कॉन्सेप्ट पहले हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट की, तो वहाँ पे आप जाएंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पहले वीडियो से लेके सभी वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है मेरे भाई, जब पोटेंशियल डिफरेंस जो चीज़ों के बीच में आया तो करंट ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करने लगेगा। तो इसीलिए पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो करंट ज़्यादा होता है, करंट ज़्यादा होता है तो इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, पोटेंशियल ज़्यादा तो करंट ज़्यादा। और जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर कॉन्स्टेंटली, आर बराबर भी अपॉन आई, कोई दिक्कत, आर बराबर भी अपॉन आई याद कर लीजिए ओम का नियम हुआ, ठीक है। आर बराबर भी अपॉन आई ओम का नियम हुआ, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि जो ओम्स लॉ है इज नॉट द यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। सबिस्टेंस बीच ओबे द ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक सबिस्टेंस, ठीक है। जो ओम्स लॉ है, देखिए ओम्स लॉ है, उसमें से जो ओम्स लॉ को जो सबिस्टेंस फॉलो करेंगे उन्हें ओमिक सबिस्टेंस बोलेंगे, ओमिक सबिस्टेंस बोलेंगे, याद रखिएगा। देखिए नॉट यूनिवर्सल लॉ का मतलब ये होता है कि इस पृथ्वी में जितने भी चीज़ें हैं सबके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। आप सुने होंगे कभी बार में थोड़ा था कि ओम्स लॉ कंडक्टर के लिए वैलिड होता है लेकिन सेमी कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे नॉन यूनिवर्सल लॉ बताया गया है कि ओम्स लॉ जो है जिसे फॉलो करेगा ओमिक सबस्टेंस बोलेंगे, और उस चीज़ का नाम है मेटल, मेटल के लिए ओम्स लॉ वैलिड होता है, वैलिड होता है, वैलिड होता है, ओम्स लॉ मेटल के लिए वैलिड होता है, डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, ठीक है। पहला नोट पॉइंट जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर देखिएगा, हाँ यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ग्राफ है बिटवीन वी एंड आई द मेटालिक कंडक्टर इन स्ट्रेट लाइन एज द सो द डिफरेंस टेम्परेचर वी और आई आर द डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए वी और आई के बीच में ग्राफ बना हुआ है, आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो बता दूँ। यहाँ पे देखिए ये मेरे भाई वी है और ये मेरे भाई आई है, तो जब वी और आई के बीच में क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, तो मेरे भाई देखिए जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ते जाए करंट बढ़ते जाए, पोटेंशियल बढ़ाते जाए करंट बढ़ते जाए, ये बना, ठीक है, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पास देख सकते हैं ऐसे ऐसे हुआ है आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, केवल आपको भी ग्राफ याद करिए, ठीक है, ग्राफ याद करिए। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली एक चीज़ क्या है कि मेन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बनेगा, जब भी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन भी है, तो यदि यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींचे तो ये भी होगा, और आई जब ये वाली लाइन है, आई ये वाली लाइन है, तो यहाँ पास भी यदि हम ये हुआ और यहाँ पास कोई लाइन खींचे तो ये भी हो जाएगी आई, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए थीटा है, ठीक, तो यदि आपसे यहाँ पास टेन थीटा की वैल्यू पूछ लीजिए, टेन थीटा की वैल्यू पूछेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा की वैल्यू पूछेगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है मेरे भाई भी, तो भी अपॉन आई आ गया मेरे भाई, और भी अपॉन आई किसके बराबर होता है सर, आर के बराबर। मतलब सर ये देखिए ये है मेन कॉन्सेप्ट, ये है मेन जहर कॉन्सेप्ट कि टेन थीटा बराबर भी अपॉन आई बराबर आर, मतलब सर हम टेन थीटा के बराबर आर लिख सकते हैं। इरेजर कर रहा हूँ आगे समझाने के लिए, आप इतना नोट कर लीजिए। देखिए क्या बताया सर, टेन थीटा बराबर भी अपॉन आई बराबर आर, भी अपॉन आई कैसे आया ये भी हमने चेक कर लिया मेरे भाई, स्लोप, टेन थीटा स्लोप होता है, मतलब सर यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन थीटा जो है आर के बराबर है, स्लोप के बराबर है,
टैन थीटा आर के बराबर है, स्लोप के बराबर है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। अब यहाँ से आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। रेशियो फाइंड करने की बात करेंगे, जब टैन थीटा इक्वल टू आर है तो यहाँ से रेशियो की बात यदि कर दें तो एक डायरेक्ट नया फार्मूला बन जाएगा, टैन थीटा वन अपॉन टैन थीटा टू इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू, आर वन अपॉन आर टू। ये चीज़ आप याद करके रख लीजिए। अगर टैन के बीच में रेशियो बना है ना, टैन के बीच में यदि रेशियो आपसे पूछा, टैन और आर के बीच में, टैन थीटा और आर के बीच में रेशियो पूछेगा, तो आप बताएंगे टैन थीटा वन अपॉन टैन थीटा टू इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्ट वन टू और आर वन अपॉन आर टू कर देंगे, ख़त्म। ठीक है, बस यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। टेन थीटा बराबर आर भी लिख सकते हैं, मेन लॉजिक यही था। मैथ वाले स्टूडेंट को तुरंत समझ में आया, अब मैथ की स्टूडेंट है, स्लोप निकाला गया है बस। ठीक है, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसकी वैल्यू भी अपॉन आई आई, जब भी अपॉन आई आई तो हमको पता है भी अपॉन आई आर के बराबर होता है, वही यहाँ पे लॉजिक लग गया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। आपको डेली 10 बजे सुबह वीडियो मिल जाता है, ठीक है, तो आप सभी वीडियो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वीडियो से अंतिम वीडियो तक सभी वीडियो की देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सेशन है, इसी प्रकार PDF में बताया गया है। चलिए, जय हिंद, बिल्कुल कम्प्लीट फिजिक्स फ्री में कराई जाएगी। जय हिंद।